स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BMB के टिप्स में। आज की वीडियो में हम आपको बताएं कि हम WPS Office की एक्सेल फाइल में रॉ और कॉलम को इंसर्ट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। इसके लिए हम WPS Office में जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ से हम फाइल चुनेंगे, यहाँ से मान लीजिए ये हमारी फाइल है। अब यहाँ पर हमें किसी रॉ या फिर किसी कॉलम को डिलीट करना है तो हम इसके लिए टूल्स को ओपन कर होम बटन पर यहाँ से देखिए डिलीट सेल्स पर क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए हम ये रो सेलेक्ट करते हैं हम, और हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं रो पर, तो ये रो जो है डिलीट हो चुकी है। अगर मान लीजिए हम इस कॉलम को डिलीट करें तो हम इस कॉलम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो ये देख सकते हैं आप जो हमारा जो है सीरियल नंबर वाला जो कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। इसी तरह से हम जो है शिफ्ट यू और शिफ्ट लेफ्ट से जो है हम एक एक सेल डिलीट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, अगर हम किसी नई सेल को इंसर्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, इसके लिए जो है हम फाइल में जाएंगे, फाइल के बाद हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर जो है हम सेल पर क्लिक करेंगे अब यहाँ से हम जो है यहाँ पर हमें एक न्यू रो चाहिए हो तो हम यहाँ से रो पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये जो है बीच में एक रो आ चुकी है। अगर हम इसके पास जो है कॉलम चाहिए हमें तो हम इस कॉलम पर क्लिक करेंगे, और ये देख सकते हैं कॉलम को जो है हमारे पास आ चुका है। अगर हमें इन दोनों नेम और सीरियल नंबर के बीच में अगर हमें कॉलम चाहिए हो तो हम यहाँ से हम किसी भी एक नेम पर क्लिक करेंगे। नेम पर क्लिक करने के बाद हम कॉलम पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं जो एक न्यू कॉलम आ चुका है। इसी तरह से जो है हम मान लीजिए अगर हम यहाँ संजय के अगर हमें जो है एक रो या फिर एक कॉलम चाहिए हो तो हम यहाँ से देखिए शिफ्ट डाउन, तो ये देख सकते हैं आप जो है कॉलम जो है बढ़ रहे थे। अगर हमें रो चाहिए हो तो हम इस तरह से रो भी ले सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमें यहाँ बीच में कुछ लिखना है तो हम यहाँ से इस तरह से जो है रो और कॉलम जो है बढ़ा सकते हैं।